लखीसराय जिला से सुजीत कुमार संग रूपेश कुमार की रिपोर्ट। चार दुकान हुए सील, दुकानदारों में व्याप्त हुआ डर। कोविड-19 के तहत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर शनिवार को चानन के मननपुर में चार दुकानों को सील कर दिया गया। मिली जानकारी में प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार से ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। वही कुछ दुकानदार दुकानों को खोलकर लगातार बिक्री कर रहे हैं, ऐसा पता चला। लोग लॉकडाउन का पालन सख्ती से कर रहे हैं या नहीं, इसे देखते हुए बाजारों का भ्रमण किया गया, जिसमें नियमों को अवहेलना करते ये लोग पाए गए हैं और आज इन चार दुकानों को सील किया गया है। कोई कितनी बाहुबली क्यों ना हो, चाहे किसी की बाहें कितनी लंबी क्यों ना हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लॉकडाउन का पालन करते नहीं पाए गए तो उस पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। वही जिलाधिकारी सदानंद बरनवाल ने बताया कि सरकार से प्राप्त गाइडलाइन और जो लॉकडाउन 25 मई तक किया गया है, उसमें निरीक्षण के दौरान कई बार लोगों को मौखिक हिदायत देते रहे हैं कि राशन की दुकान 12 बजे तक नियत समय और जो निर्माणकारी दुकान है वो दो दिन खुलेंगे, लेकिन पुलिस की गाड़ी जैसे ही निरीक्षण कर दूसरी दिशा में जाते हैं ये लोग दुकानें खोल देते हैं। इसको लेकर ये सील किया गया है। अब अगर इस ऊपर भी नहीं मानते हैं तो और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि सील किए गए दुकानों में धर्मेंद्र कुमार का श्रृंगार स्टोर, बबलू अंसारी की चप्पल जूता, मिथुन कुमार का फैशन हाउस कपड़ा का दुकान, भोला वर्मा का बर्तन दुकान काम शामिल है। दुकानों को सील किए जाने के उपरांत दुकानदारों में डर का माहौल है। जो कोरोना काल को लेकर आज मननपुर बाजार बंद रही है, जिसमें चार दुकानें सील हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार के निर्देश के अनुसार कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। इसकी समीक्षा की गई तो पाया गया कि कुछ दुकान खुले रहते हैं, तो गंभीरता से लेते हुए चार दुकानों को सील किया गया है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, सरकार के आंकड़े के अनुसार संक्रमण का दर तो घट रहा है, लेकिन मृत्यु के दर में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस आशंका को देखते हुए हम लोग ने निर्णय लिया कि आज हम लोग देखें मार्केट में कि क्या जो लॉकडाउन है वो पूर्णतः इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं होगा तो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई कितने ही बाहुबली क्यों न हो, चाहे किसी की कितनी ही लंबी बाहें क्यों न हो, यदि लॉकडाउन तोड़ते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार से जो प्राप्त है गाइडलाइन और जो लॉकडाउन किया गया है दिनांक 25 तारीख तक, उसमें कई बार लोगों को मौखिक रूप से निर्देशित भी किया गया। हम लोग निरीक्षण के क्रम में भी लोगों को हिदायत देते रहे कि भाई जो भी दुकान खुलने का है, जो राशन की दुकान है वो 12 बजे तक खुलेगी, शेष जो निर्माण कार्य की दुकानें हैं उसके लिए दो दिन का समय दिया गया है कि दो दिन खुली रहेंगी। उसके बावजूद भी कई दुकान बस पुलिस या प्रशासन की गाड़ी निकलती है और वो लोग खोल देते हैं। इसी से संबंधित कई बार निर्देश देने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो उसी के चलते कई दुकानों को आज सील कर दिया गया है। और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यदि लोग नहीं मानेंगे तो सील करने के साथ साथ उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे वो लोग कंप्लीट मतलब लॉकडाउन को पालन करें जैसा सरकार का निर्देश है। सदानंद बरनवाल, अंचल अधिकारी चानन।